अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो का जो हमारा मेन टॉपिक है वो ये है कि सोलर पैनल जो हम ख़रीदते हैं इनका कैसे मालूम करें कि कौन सा ए ग्रेड है और कौन सा बी ग्रेड है। तो यही टॉपिक है आज की इस वीडियो में। मैं आप लोगों को कंप्लीट समझाऊंगा कि किस तरह से चेक किया जाता है कि कौन सी प्लेट ए ग्रेड है और कौन सी बी ग्रेड है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप पैनल बेस्ट कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले नंबर पर जो है वो लॉन्जी हेमो 6 है, वो उसका भी रिज़ल्ट जो है बहुत सही है। और जो दूसरे नंबर पर है वो है कनेडियन, और तीसरे नंबर पर जो है वो है जिनको और JA16। ठीक है, ये जो कंपनीज हैं ये बहुत अच्छी कंपनीज चल रही हैं अभी तक जो फ़िलहाल है। बाकी आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि इनको ए ग्रेड और बी ग्रेड कैसे चेक करना है। सबसे पहले तो आप लोगों ने पैनल का देखना होता है, जो पीछे उसके स्टिकर लगा हुआ होता है वो देखना होता है, क्या वो सारे जो स्टिकर हैं एक ही जगह पर लगे हुए हैं या मुख्तलिफ जगहों पर जो है स्टिकर लगे हुए हैं। तो आप लोगों ने एक बात ये नोट कर लेनी है। दूसरा, आप लोगों ने अपने मोबाइल पर प्ले स्टोर से QR स्कैन और एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। ठीक है, तो जो प्लेट के पीछे स्कैनर लगा हुआ होता है, चिप लगी हुई होती है स्टिकर, उस पर एक QR कोड होता है, वो आप लोगों ने उस QR कोड स्कैनर की मदद से लाजमी गूगल पर देखना है। और दूसरी बात, आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करनी है आप लोग जिससे भी परचेस कर रहे हैं, और जब वो आपको डॉक्यूमेंट दे तो प्लेट के सामने शीशे वाली साइड पर एक लगा हुआ होता है कोड नंबर होता है। ठीक है, आप लोगों ने देख लेना है, और उस नंबर को जो आप लोगों ने डॉक्यूमेंट लिया है उनमें देखना है क्या ये नंबर कोई मैच होता है या नहीं होता। अगर नहीं होता तो वो आपको कोई और जो है डॉक्यूमेंट दे रहा है किसी और प्लेट के, और आपको प्लेट कोई और दे रहा है, गलत दे रहा है। तो ये आप लोगों ने एक चीज़ लाजमी ध्यान में रखनी है। आपके जो प्लेट के पीछे बॉक्स लगा होता है ना छोटा, आप लोगों ने उसको लाजमी से देखना होता है। सबसे पहले तो उसकी एक ये चीज़ कि आप लोगों ने उसकी देखनी है कि वायर जो है वो उसकी तार जो है वो तकरीबन 2 गज़ के नेड़े तेड़े होनी चाहिए। तो समझ लेना कि आपका जो है प्लेट ए ग्रेड की निशानी, अगर उसकी तार 1 फुट से 1.5 फुट के दरमियान है तो समझ लेना कि आपका जो है पैनल वो बी ग्रेड है। और पैनल के उस बॉक्स पे ऊपर अगर आप कनेडियन ले रहे हो तो कनेडियन लिखा होना चाहिए, अगर आप लॉन्जी ले रहे हो तो लॉन्जी लिखा होना चाहिए, और जो MC4 कनेक्टर हैं उन पर भी अगर आप कनेडियन ले रहे हो तो कनेडियन MC4 कनेक्टर पे भी लिखा होना चाहिए, और अगर आप लॉन्जी ले रहे हो तो लॉन्जी MC4 कनेक्टर पे लिखा होना चाहिए। ये निशानियाँ हैं ए ग्रेड और बी ग्रेड की। बी ग्रेड के अंदर ये होता है कि आपको वक्ती तौर पे जो है ना मतलब कि रिज़ल्ट मिलेगा ए ग्रेड जितना मिलेगा, लेकिन अगर जैसे ये वक्त के साथ साथ ना बी ग्रेड जो है वो बीच में से शीशा दरारें ले लेगा, बीच में से निशान आ जाएंगे। ठीक है, बी ग्रेड में ऐसा होता है, बी ग्रेड इतना अरसा नहीं चलती, और अगर धूप जो है वो कम या ज़्यादा हो तो मतलब कि वो पूरी एफिशिएंसी नहीं देती, मतलब कि रिज़ल्ट नहीं आता वो बी ग्रेड का। जो ए ग्रेड का रिज़ल्ट आता है वो बहुत ही VIP होता है। तो उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को भी लाइक कर दो और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो अल्लाह हाफिज़।